आपके चैनल राइट वे स्ट्रीम में दोस्तों, ये सेशन मैथमेटिक्स का है जिसमें हम लोग जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। तो ये आज कोऑर्डिनेट का तीसरा दिन है जिसमें हम लोग जो है 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले के यदि आप लोग ने हमारा चैप्टर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और आप लोग उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, NCERT पैटर्न पे चल रहा है, CBSE बोर्ड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां नंबर आपका है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, -9 से सम दूरस्थ हैं। सम दूरस्थ मतलब समान दूरी पर हैं। कैसी दूरी पे हैं? समान दूरी पे हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा एक्स अक्ष कह रहा है, एक्स अक्ष कह रहा है तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कहे कि यक्ष अक्ष के निर्देशांक बताइएगा तो यक्ष अक्ष के जो निर्देशांक होंगे उसमें वाई बराबर आपका क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार से यक्ष अक्ष का जो निर्देशांक आएगा तो हम मान लेंगे x, 0। एक्स का हमने x मान लिया और y का हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मान लेंगे कि p के निर्देशांक जो होंगे x, 0 होंगे। यहाँ से हम q ले लेंगे तो q आपका 2, -5 और r आपका -2, 9 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है सम दूरस्थ हैं, सम दूरस्थ हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा PQ बराबर होगा PR के। किसके बराबर होगा? PR के बराबर होगा। कह रहा है कि जो ये वाला बिंदु है, इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से कैसा है? समान दूरी पे है। या इसको अगर हम फिगर में इस प्रकार से दिखाएं तो अगर ये हमारा P बिंदु होगा और ये क्यू होगा और ये आर होगा तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी? समान होगी, ठीक है। तो ये हमको जो है करके लाना है और फिर एक्स का मान बता देना है, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं भाई क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगर हम पी क्यू निकालें, पी क्यू ये, तो इसमें हमारा x1, y1, x2, y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 तो 2 - x² प्लस -5 और -0² बराबर। अब पी आर में क्या हो जाएगा? x1 y1 तो यही रहेगा लेकिन हमारा x2 y2 इस बार जो है ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का दो और माइनस का हो जाएगा x भाई x2 - x1। x1 की जगह पे कितना है? x दिया हुआ है प्लस 9 - 0। 9 - कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ आपका यहाँ पे रूट दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग ले लेने पर क्या लेने पर है? दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये हमारा जो रूट दिया हुआ है ये हट जाएगा और हमारा केवल अंदर का बचेगा। तो इसको जो हम खोल लेंगे a - b का होल वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस x² माइनस चार एक्स और प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 25। सेम इसी प्रकार से इसको हम करेंगे जब, तब ये आपका क्या हो जाएगा? 4 + x² और प्लस आपका ये 4x, प्लस का 4x और प्लस 81। देखिएगा यहाँ से देखिएगा, ये x² दोनों कैसे हैं? प्लस के हैं और बराबर के आउटसाइड में है तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका 4 दिया हुआ है, ये भी आपका 4 दिया हुआ है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ये 4x बचा और ये 4x बचा, तो इस वाले 4x को हम इधर लाते हैं तो -4x ये है और -4x वो हो जाएगा और ये 81 और इस 25 को हम उधर लेके जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से तो ये हमारा हो गया 8x, ये 8x हो गया और इसको हम कम करके लिख लेंगे तो 11 से हमारा 5 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ से 7 से 2 गया तो बचा 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे x बराबर निकालेंगे तो 56/8 वो भी माइनस का निकल के आएगा -7। जो x बराबर निकला वो -7 निकल के आया। इस प्रकार से हमारा जो x अक्ष पर जो बिंदु होंगे जो कि आपके 2, -5 और -2, -9 से कितनी दूरी पे होंगे? -7 और 0 से, -7 और। तो P के जो निर्देशांक हमारे आए ये x का मान यहाँ पे रखना था आपको, x का मान हमने कितना निकाला? -7 निकाला। तो निर्देशांक हमारे क्या निकल के आए? -7 और 0, -7 और 0 निकल के आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु
पी बराबर जो होगा वो होगा 2, -3 और क्यू के निर्देशांक जो है 10, y है। तो जो ये y है इसका मान आपको जो है ज्ञात करना है, जबकि जो दूरी आपकी d दी हुई है वो 10 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो आपका क्या करेंगे, आपका वही फार्मूला लग जाएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट आपका ये पहले आपका 2, -3 और ये 10, y ये रख लेंगे। तो 10 -2 का स्क्वायर प्लस y और माइनस और फिर माइनस, तो प्लस हो गया आपका का स्क्वायर, ठीक। ये अब पी क्यू बराबर मतलब d बराबर आपका दिया हुआ है 10 10, और इधर से अगर हम स्क्वायर ये रूट हटाएंगे तो इधर आपका क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस इसको हम खोल लेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 6 y, ए प्लस बी का हमने यहाँ पे होल वर्ग खोल लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 100, इसको 100 कर लेंगे, प्लस 8 8 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 6 y, ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं पहले हम, तो 100 बराबर 64 ये हो गया आपका, 9 4 13 73, ठीक है, 73 हो गया, ठीक। और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 y, अब जो ये 100 आपका दिया हुआ है ये हम उठा के इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 y² प्लस 6 y और प्लस का 73 माइनस का 100। तो इसको अगर हम कम करके लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 y प्लस ये कितना आएगा, तो यहाँ से 10 10 से 3 गया तो बचा आपका 7, और यहाँ से 9 9 से 7 तो बचा 2, और यहाँ पे माइनस का 100 ज़्यादा है तो यहाँ से हमारा माइनस का बच जाएगा बराबर का 0। अब इसके जो है गुणनखंड कर लेना दोस्तों, ये हमारा निकल गया है, ठीक है। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 y 9 y और माइनस का 3 y और माइनस का 27। ऐसा करता हूँ दोस्तों, गुणनखंड करना आपको आता होगा, ठीक है। तो ये आपके दो जोड़े बन गए, तो यहाँ से हम वाई का मान लेंगे, तो वाई प्लस 9 -3, तो वाई प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। दोस्तों यदि गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो गुणनखंड पे अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो ये आपका बचेगा वाई माइनस 3 और ये आपका वाई प्लस 9 बराबर 0। तो वाई बराबर हमारा निकल गया 3 और माइनस का 9। तो जो यहाँ पे y का मान पूछ रहा है, यहाँ पे दो मान आएंगे, एक तो 3 आएगा प्लस का और दूसरा जो आएगा वो माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो ये दोस्तों रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि यदि q बराबर 0, 1 बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर हों या समदूरस्थ हों, तो आपका x का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिएगा, एक बार उतार लेते हैं हम, क्यू बराबर 0, 1 दिया हुआ है और पी बराबर 5, -3 और आर बराबर दिया हुआ है x, 6, ठीक। तो पहले हम इन दोनों से चलेंगे और फिर इन दोनों से चलेंगे, ठीक है। ये समान दूरी से हैं तो इन दोनों को हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो क्यू आर बराबर हमको जो है लाना है, लाना क्या है, करना है क्यू आर और क्यू पी बराबर आपके हैं, क्यू पी यहाँ पर लिखा हुआ है समदूरस्थ है। तो अंडर रूट क्यू आर पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस जीरो प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्यू पी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 -0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर। दोनों ओर अगर हम वर्क करेंगे, अभी पीछे क्वेश्चन एक ऐसा लगा चुके हैं, दोनों ओर वर्क करेंगे तो अब ये हमारा क्या रूट कैंसिल हो जाएगा या हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी आपका 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा आप, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, ठीक। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर इधर, 5 का स्क्वायर इधर, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर निकला आपका -4 स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं ये 16। तो एक्स बराबर आपका अंडर रूट 16, या फिर कह सकते हैं 4 निकल के आया, और ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस का 4 निकल के आएगा। तो ये तो हमारा निकला एक्स का मान, ठीक है। अब आप लोगों को इसके आगे आप लोगों को खुद करना पड़ेगा कि क्यू आर और पी आर का मान निकलना है। तो क्यू आर पहले इन दोनों चल के हम Q
क्यू आर का मान निकालेंगे, या फिर जो ये साइड हमारी है ये हमारी कौन सी साइड है, क्यू पी दोस्तों है, ये क्यू पी है। तो हमारा अगर चाहोगे तो ये हमारा 25 और प्लस 16 तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 5 11 और 2 1 3 और 1 4 अंडर रूट 41, जो क्यू पी आएगा वो अंडर रूट 41 निकल के आएगा। ये मैं ओरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने एक्स तक ही लगाया है, इसके आगे क्यू आर और पी आर के मान आपको स्वयं निकालने हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि ये क्वेश्चन नहीं लगता है कमेंट करना, मैं बताऊँगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, अभी लाइट चला गया है तो आशा करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आगे की एक्सरसाइज हम लोग कल चालू करेंगे। इस क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है, एक आपका रिलेशन ज्ञात करना है एक्स और वाई में, जबकि आपका दिया हुआ एक्स कामा वाई जो बिंदु हैं वो 3.6 और -3.4 से समान दूरी पे हैं। तो मान लोगे कि पी जो बिंदु होंगे वो एक्स कामा वाई के हैं, ठीक है, और क्यू आपके जो हैं वो आपका जो है 3.6 और R का हमारे दिए हुए हैं -3.4, ये बिंदु दिए हुए हैं। तो एक बार हम PQ करेंगे बराबर, वो हमारा PR के बराबर होगा, सेम इस प्रकार से कर देंगे हमारा संबंध निकल के आएगा। तो करते हैं दोस्तों, तो अंडर रूट सबसे पहले करना है, तो जब 3.-6 पहले करेंगे, 3.-x का होल वर्क प्लस 6.y आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बराबर अंडर रूट PR, तो माइनस का तीन और माइनस का तीन ही है और माइनस का x यहाँ से हो जाएगा, माइनस का x यहाँ से का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का आपका y का होल वर्क, दोनों तरफ क्या कर देंगे, तब जो हमारा जो ये रूट स्क्वायर दिया हुआ है ये हमारा हट जाएगा, तो बचेगा आपका 3-x² प्लस 6-y का स्क्वायर इक्वल टू -3 और -x² प्लस का आपका 4-y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख दोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये जो हमारे इस होल वर्ग हैं ये और ये, इनको सबको हम खोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9+x² - 6x, यहाँ पे a-b का होल वर्ग खुल गया। इसी प्रकार से हम इसका खोलेंगे तो ये आएगा 36-+y² और माइनस का 12y हो गया। इस प्रकार से हम इधर चल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9+x² प्लस का 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का अब आपका हो जाएगा 2 * 8y ए प्लस बी का होल वर्ग दोस्तों और a-b का, यहाँ पे तो फिलहाल ये माइनस का ही खुला है, ठीक है। तो ये होता है a² + b² - 2ab होता, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे पूरे में खुला है। अब देखिएगा इसमें क्या, ये x square बराबर है कैंसिल, ये आपका y² और ये y² कैंसिल हो गया है। देखिएगा और भी आपका मिल रहा होगा, ये देखिएगा 9 इधर है तो ये भी आपके दोनों तरफ सेम है कैंसिल। अब देखिएगा और क्या क्या मिल रहा है, 6x है लेकिन ये अपोजिट है तो ये कैंसिल नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, एक बार हम पहले लिख लेते हैं, तो 6x + 36 - 12y बराबर 6x + 16 - 8y आपका ये हो गया, ठीक। अब इनको पूरे को उठा के हम एक साइड लेके आते हैं, इस पूरे को उठा के हम उधर लेके आते हैं, तो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इधर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब तो दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हमने जो है पूरा कोर्स, जो भी जितना भी आपका हाई स्कूल का कोर्स है मैथ का, ये पूरा कराने की मैं अपनी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, इसको उठा के उधर जाएंगे तो ये 6x, ये आपका 6x और प्लस का 6x और आएगा, प्लस का ये इधर माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, और ये प्लस का 16 दिया, -8y दिया हुआ है, और ये प्लस का 36 हो जाएगा, -36 और ये प्लस का 12 हो जाएगा,
प्लस का ये जीरो के बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लेते हैं तो ये आपका 12x हो गया, 12x हो गया, ये y और ये, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का, मतलब प्लस का हो जाएगा 4y। देखिएगा ये 12y है और ये 8y, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का हमारे यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों माइनस का बचेगा, हमारा माइनस का बचेगा तो 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0 और 3 से 1 गया तो बचा 2 बराबर 0। पूरे में देखो चार कामन मिल रहा है दोस्तों, चार कामन मिल रहा है तो चार कामन ले लेंगे, तो चार कामन हुआ तो 4 × 3 = 12 प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो ये लास्ट में आपका जो बचेगा ये 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो जो आपका x और y में संबंध आया, x और y में संबंध, ये जो 4 है वो आपका इधर में जाएगा 0 के नीचे, तो 0/4 जो होता है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि 0/ अगर कोई भी नंबर होता है तो उसका मान 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा संबंध निकल के आएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 = 0। तो ये x और y में संबंध निकल के आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।